चित्रकार आया है शिवम यादव, सुनील के कुमार साहब हैं। कन्हैया बोले यादव की तरफ से बोले घनश्याम हाथी मरो रस्ता साथ कन्हैया संग बान गुले के भीतर घुसी। जो भीतर घुसे कंस की नजर सामने लगी रहे, चीखने लगा पकड़ से, यही है वो कृष्ण जिसका मैं इंतजार था। हाथी जैसे जवानों से कहा पकड़ करके से चीटी की तरह से मिश्र दो, पकड़ लो। हाथी जैसे जवान टूट टूट के कृष्ण बलराम के ऊपर पड़े। कन्हैया बोले भैया हम तुमका कोई बराबरी के थोड़े हैं, मल्ल युद्ध बराबरी के लोगों में होता है, कहां तुम कहां हम। पहलवानों ने कहा तुझे ही समझ ले, हम तो पूरे बादाम किस किस के तेरे ही नहीं पियर ले। कन्हैया बोले ये तो कोई बात नहीं रही, सभा में बैठे लोगों की जब नजर कन्हैया के ऊपर टिकी है, माताओं ने देखा तो ऐसा लगा हमारा बेटा आ गया, बहनों ने देखा तो ऐसा लगा हमारा भैया आ गया, संत महात्माओं ने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ वेद स्वरूप भगवान आ गया। और राजा महाराजाओं ने देखा
ऐसा लगा भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट आ गया। तो कंस ने देखा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात मेरा काल आ गया। कहने का मतलब कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसने जिस रूप में कन्हैया को निहारा, कन्हैया का रूप उसी रूप में दिखाई दिया। कंस जोर जोर से चीख रहा है, पच करके जाना नहीं चाहिए, यही है हमारा काल। अंदाज लगा सकते हैं आप लोग, अगर काल सामने आ जाए तो कल प्रभु है का। कन्हैया बोले जवानों से, भैया हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। जवान बोले हम तो तेरे ने बोले बादाम किसी किसी के पियर ले। कन्हैया बोले मतलब तो लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम सही कहा तूने। तो कन्हैया बोले चिंता न करो, मन की जरूरत पूरी होगी। आज कृष्ण बलराम खड़े हैं दोनों भैया रणभूमि में। जवानों ने घेर के खड़ा कर लिया।